हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मी बैंड का रिव्यू एक महीने यूज करने के बाद। मी बैंड एक बहुत ही बेसिक एक्टिविटी मॉनिटर और स्लीप ट्रैकर है। इस बैंड के जरिए आप अपना दिन भर का जो एक्टिविटी है वो मॉनिटर कर सकते हैं और आपका स्लीप क्वालिटी भी इस बैंड के थ्रू मॉनिटर होता है। इस बैंड को आप अपने स्मार्टफोन के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए और आपका जितना भी डेटा है, आपका एक्टिविटी डेटा है, आपका स्लीप डेटा है, वो पूरा आपको आपके फोन पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस बैंड के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। ये जो बैंड है वो एक डेली फिटनेस मॉनिटर है, स्लीप ट्रैकर है। इसमें स्मार्ट वाइब्रेशन अलार्म्स हैं, कॉल नोटिफिकेशंस हैं। ये बैंड वाटरप्रूफ है और इसका जो बैटरी लाइफ है वो अप टू 30 डेज तक लास्ट करता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बैंड फोन के साथ सिंक्रोनाइज कैसे होता है और इसका जो कोई भी डाटा है वो फोन पे कैसा दिखता है। मी बैंड का जो ऐप है वो किस प्रकार है, तो जैसे ही मैं मी बैंड ऑन करता हूँ ये मुझे ब्लूटूथ परमिशन के लिए पूछता है अगर मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है ब्लूटूथ पे। तो अभी ये बैंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये मेरे एक्टिविटीज़ है जो आज मैंने मॉर्निंग से किए हुए हैं और आज मॉर्निंग से मैं 3086 स्टेप्स चल चुका हूँ जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर है और मैंने 167 कैलोरीज बर्न किए हैं। तो ये मेरे मॉर्निंग के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब हैं। अगर मैं इसे राइट में स्वाइप करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि लास्ट नाइट में मैंने कितनी देर सोया हुआ था और यहाँ पे उसके डिटेल रिपोर्ट ये है कि मैं लास्ट नाइट 4 hours 15 minutes सोया हूँ, कितने बजे सोया हूँ, कितने बजे उठा हूँ और कितनी देर तक मैं डीप स्लीप में था। इसमें जो नीचे ऑप्शंस हैं वो शेयरिंग ऑप्शंस हैं जिसमें एक वी चैट है, एक आई डोंट नो ये कौन सा ऐप है, उसके बाद एक लाइन है, उसके बाद फेसबुक और ट्विटर। ट्विटर पर ये सिर्फ डायरेक्ट मैसेज करता है। तो ये मेरा जो स्लीप ट्रैकर है, ये स्लीप ट्रैकर में मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ जिसमें वो दिखाएगा कि मैं कौन से दिन कितनी देर सोया हुआ था। तो ये मेरा पूरा ट्रैक है। ये बीच में जो लंबे लंबे टावर्स आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली उतना 3-4 दिन का मेरा डेटा थोड़ा मिस हो चुका है इसलिए वो फुल अभी टावर्स दिखा रहा है। बट मैं ये बैंड यूज़ कर रहा हूँ 25 जून से और ये मेरा 25 जून से जितना भी डेटा है आप देख सकते हैं किस प्रकार अवेलेबल है। और सेम चीज़ अवेलेबल है आपका एक्टिविटी मॉनिटर का हिस्ट्री, मॉनिटरिंग का जो हिस्ट्री है वो पूरा यहाँ पे अवेलेबल है। बीच का कुछ डेटा लॉस है मेरा बट वो पता नहीं क्यों लॉस हुआ है। तो ये इसका बेसिकली जो आपका डिटेल्स है वो है। उसके बाद उसके सेटिंग्स यहाँ पे ऊपर हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बैंड कहाँ पे है। लाइट कलर आप डिसाइड कर सकते हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। और अभी 34 डेज अगो मैंने चार्ज किया था और अभी 45% बैटरी बाकी है। इनकमिंग कॉल्स के लिए मेरे पास वाइब्रेट आफ्टर फर्स्ट रिंग का ऑप्शन है 3, 4, 10 सेकंड के बाद। उसके बाद है मी बैंड नोटिफिकेशंस, एक्टिविटी स्टैट्स नोटिफिकेशन जो रोज़ रात में 9:30 बजे होता है। उसके बाद स्टेप डेटा नोटिफिकेशंस, स्लीप डेटा नोटिफिकेशन जो मैं उठने के बाद जब सिंक करता हूँ तो दिखाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अलार्म सेट कर सकता हूँ जो मैंने 6:30 का अलार्म सेट करके रखा हुआ है। 3 अलार्म आप सेट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मेरा प्रोफाइल, मैंने आज तक कितना डिस्टेंस चला है बैंड के साथ और मेरा गोल कितना है दिन भर का, कितने स्टेप्स चलने का, और यूनिट्स में डिफाइन कर सकता हूँ मुझे मेट्रिक सिस्टम चाहिए, इम्पीरियल सिस्टम चाहिए। उसके बाद है अकाउंट्स, वी चैट है और गूगल फिट के साथ आप सिंक कर सकते हैं डेटा। और उसके बाद शेयरिंग ऑप्शन है। शेयरिंग ऑप्शन में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वी चैट है, लाइन है, फेसबुक है और डायरेक्ट मैसेजेस है ट्विटर पे। तो ये बेसिकली इसका जो है इंटरफेस है ऐप का, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि इसका जो फ़ोन का यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसके जितने भी फीचर्स है वो सब आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मुझे पर्सनली इस बैंड के जो सबसे पॉजिटिव चीज़ें जो लगी हुई हैं वो अब मैं आपको अभी बताता हूँ।
सबसे पहले मुझे इस बैंड का कॉल नोटिफिकेशन फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद मुझे इस बैंड का अलार्म फीचर काफ़ी पसंद आया, उसके मतलब ये जो फीचर्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ पसंद आया, ये फीचर्स बहुत यूज़फुल रहे हैं मेरे लिए। उसके बाद इसका जो फ़ोन अनलॉक का फीचर है वो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा और मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ उसे। पहले भी कहा है कि इसकी बैटरी लाइफ एब्सोल्युटली अमेजिंग है, मैंने उसको पहली बार अनबॉक्स किया था तब फुल चार्ज किया हुआ है और अभी तक मोर देन 1 मंथ हो गया है बट मैंने अभी तक इसको फिर से चार्जिंग को लगाया नहीं है। ये तो इसके सब फीचर्स हो गए और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं बैंड की जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, बट इस बैंड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस बैंड का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो डेटा है वो कई बार लॉस होता है, मतलब अगर मेरा एक्टिविटी है मॉर्निंग 9 AM to 9:15 AM और मुझे उसके बाद पता है कि मैंने वो टाइम पे आधा किलोमीटर चला है तो कभी कभार ये जो डेटा है वो कम्प्लीटली मिस हो रहा है। ये हार्डवेयर साइड का इशू नहीं है, ये सॉफ्टवेयर साइड का इशू है जो आई एम श्योर कि Xiaomi करंटली उस पर काम कर रहा है और ऐप को डेवलप कर रहा है आगे। इस बैंड का जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक जगह पे बैठा हूँ और मैं अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर से स्विंग कर रहा हूँ तो बैंड काउंट करता है उसको स्टेप्स की तरह, तो मतलब कुछ चीज़ें हैं, तो अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाथ स्विंग करने का एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा बैंड कंटिन्यूसली स्टेप्स काउंट करता है। जो ऐप है उसमें जो शेयरिंग ऑप्शंस है, डेटा शेयरिंग ऑप्शन सब लिमिटेड हैं, उसमें सिर्फ फेसबुक शेयर कर सकते हो और ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इसमें ट्विटर पे ट्वीट करने का अभी तक ऑप्शन नहीं है और 2-3 और ऐप्स दिए जैसे कि वीचैट है, लाइन है एक्सेट्रा, तो वो मतलब ऐप्स अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो कम्प्लीटली यूजलेस शेयरिंग ऑप्शन हैं। और इसका सबसे बड़ा एक और नेगेटिव पॉइंट जो मैंने फेस किया है वो ये है कि इसका जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो बहुत अनस्टेबल है। मैंने इसको कनेक्ट किया था यूफोरिया और नोट 2 के साथ और इसका जो ब्लूटूथ कनेक्शन है ये दो फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा अनरिलायबल लगा मुझे। तो क्या आपको ये बैंड खरीदना चाहिए? अगर आप चालू करना चाहते हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं और बहुत ही बेसिक बैंड के साथ चालू करना चाहते हैं तो ये बैंड आपके लिए परफेक्टली फिट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बैंड का डेटा जो है वो थोड़ा इनएक्यूरेट है, प्लस इस बैंड का सॉफ्टवेयर साइड से थोड़ा बहुत अंडर डेवलप्ड है जिसपे अभी काम चालू है और Xiaomi डेफिनेटली एक बेटर ऐप करता जाएगा जैसे जैसे टाइम जाएगा और उनको पता चलेंगे प्रॉब्लम्स। लेकिन ये बैंड 999 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, ये पूरे मार्केट में सबसे सस्ता एक्टिविटी ट्रैकर है, इवन बेसिक एक्टिविटी ट्रैकर में भी सबसे सस्ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एक्टिविटीज़ बेसिक एक्टिविटीज़ मॉनिटर करें और अपने स्लीप को ट्रैक करें कि वो अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली आप ये बैंड लें। और अगर आपको लगता है कि इसका जो अगला वर्जन आएगा वो इससे बेटर रहेगा तो मुझे ऐसे कुछ रूमर्स आए हैं कि मी बैंड 2 बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है, बट ये सिर्फ रूमर्स हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता आगे। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो मी बैंड 2 के लिए वेट कीजिए, वो डेफिनेटली इस बैंड से बेटर रहेगा और उसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। तो ये था मेरा रिव्यू मी बैंड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।